लाखों में, लाखों में राजू राय। अच्छा, हाँ, हमारे चंद सिंह जिंदाबाद, राजू राय जिंदाबाद, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिंदाबाद। जो पटेल जो लोगों का वोट था वो बीजेपी का था, लेकिन इस बार पटेल बिरादरी का 95% सपा को जा रहा है। पटेल जी, क्या माहौल है? माहौल यहाँ सपा का है। और जो योजना एम्बुलेंस हुई 100 नंबर, ये अखिलेश जी की देन है, माने अखिलेश जी की देन है। हाँ, उनकी देन है। तो किसको किसको सांसद चुन रहे हैं? बिल्कुल राजू राय। राजीव राय सर, ये वक्त हम बीजेपी के फैन थे। नींद का मौसम बहुत अच्छा है और इस बार सपा और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जिंदाबाद राजू राय जिंदाबाद, जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राजू राय जिंदाबाद, डॉक्टर एजेंट सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवपाल यादव जिंदाबाद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। कोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। घोसी का माहौल जानने के लिए आज हम एक गांव में आ चुके हैं और ये पटेल बस्ती है और घोसी का माहौल क्या है। ये घोसी लोकसभा भी है और घोसी लोकसभा भी है और विधानसभा भी है। तो घोसी विधानसभा और लोकसभा के बनियापार में है, खास तौर पे देखा जाए तो ये पटेल बस्ती है। और पटेल लोगों का, कुर्मी बिरादरी का वोट किसको जा रहा है और ये किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में, किसको यहाँ का सांसद बनाएंगे और किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो कुछ लोग हैं, युवा भी हैं यहाँ, सीनियर सिटीजन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो मैं सारे लोगों से दो दो मिनट बात करूंगा माहौल पे और कुछ मुद्दे बीजेपी सरकार पे भी होंगे कि सरकार जो है कैसी चल रही है। क्या नाम है चचा? महतम यादव जी। जी, आप यादव जी हैं जी। तो क्या माहौल है घोसी का? बहुत अच्छा है। बहुत क्या अच्छा है बताइए। सपा का राजू राय का। अच्छा, हाँ। तो यादव है इसलिए कह रहे हैं कि यादव नहीं 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 यादव यार हरिजन तो मतलब नहीं है, हम अपना विकास चाहते हैं। राजू राय ऐसा प्रत्याशी अब मान कर सेकंड कल्पनाथ राय आए हैं। हाँ, जात से मतलब क्या है? जात का लड़का कोई आए आगे बढ़ रहा है, DM बनना है तो हम जात देखेंगे कि हरिजन का लड़का DM बना है। हमको DM चाहिए ना, विकसित इलाका चाहिए, विकसित क्षेत्र चाहिए। तो अरविंद राजभर भी, ओम प्रकाश चचा, पीआर का चचा उनको बोला जाता है, तो उनके भी लड़के अरविंद राजभर वो कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख से जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजू राय जीत रहे हैं, जा रहे हैं 2.5 लाख से पीछे जा रहे हैं। बालकृष्ण चौहान, बालकृष्ण को हम देख चुके हैं, जब माननीय कल्पना स्वर्गीय कल्पनाथ राय मरे उस समय बालकृष्ण जीते, और जीतने के बाद आए भी नहीं आ गए भी नहीं, उनका आज भी लड़ रहे हैं, आज भी उनका चेहरा नहीं देखे, उनको देख चुके हैं हम, या किसी पार्टी से आए हैं हम, डॉक्टर एचएन सिंह के क्लोज हैं। एचएन सिंह पटेल, हाँ, एचएन सिंह से हमारा नाम महात्म यादव है, मुलायम सिंह करके पूरा हॉस्पिटल जानता है। अच्छा, मुलायम सिंह आपको जानता है? हाँ, मुलायम सिंह के नाम से हॉस्पिटल जानता है। जो है हमको विकास चाहिए, हमको जात नहीं चाहिए, हमको विद्यालय चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए। राशन तो मिल रहा है? नहीं, राशन से क्या मतलब है, लकवा का मरीज बनाया जा रहा है। कैसे? बिल्कुल, मान लीजिए हम अपने खेती में काम करेंगे, अपने लड़के 8 घंटा ड्यूटी करके आएंगे तो 100 रुपया पाएंगे, 3000 मंथली मिलेगा ना, उसी में से अपना निकाल करके अपना भविष्य निधि भी रखेंगे और उसमें से हम अपने बाल बच्चों का परिवहन भी कर सकते हैं, निर्वहन भी कर सकते हैं। आप बैठे बैठे रहेंगे, हमको 2 किलो राशन मिल जाएगा, उससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, उससे क्या हमारा विकास होगा? सरकार तो कह रही है कि राशन दे रहे हैं, नहीं लालच दे करके 4 रोटी अपने खा रही है और 2 किलो दे करके दांत खोदते 4 कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, फेंक देंगे आप खा करके। और कुत्ता कौरा, एक कौरा जिसे भोजपुरी में कहते हैं, ये भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, कोई भी हो, सरकार को चाहिए कि विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। जो भावी पहले लड़के हैं हमारे, जो इधर उधर पकौड़ा छान रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का वार्ड है। तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री या फिर इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो सहयोग होगा प्रधानमंत्री बनेगा। आज तो हम कहेंगे नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन घोसी का सांसद राजू राय। बिल्कुल, राजू राय, राजू राय, बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों से बात करें, लाखों में, लाखों में राजू राय। अच्छा, लाखों में। हाँ, हमारे चंद सिंह जिंदाबाद, राजू राय जिंदाबाद, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या नाम होगा? प्रवीण सिंह पटेल जी। पटेल जी, क्या माहौल है? माहौल यहाँ सपा का है। सपा का है, क्या सपा में खास बात है? सपा आएगी, नौकरी देगी। हाँ, उधर बाल के चौहान भी कह रहे हैं कि हम भी निकल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर है, उनके लड़के अरविंद राजभर है, वो भी कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सपा निकल रही है? सपा निकल जाएगी यहाँ से। हाँ, तो आप कंफर्म बोल रहे हैं सपा? कंफर्म कंफर्म। वोट वोट भी देंगे आप लोग? वोट देंगे। किसको वोट देंगे?
अतुल राय साहब को। अच्छा, राजीव राय को। हाँ बिल्कुल। कुछ सरकार का रुकार काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी काम कुछ नहीं कर रही है। ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कर चुके हैं। कर चुके हैं तो कभी नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई किए? हाँ अप्लाई किए। क्या हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्या उम्मीद है अगर जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो? आएगी वैकेंसी तो देखेंगे। आएगी बिल्कुल। एक और चाचा है, क्या नाम है चाचा? सुग्रीव सिंह पटेल जी। पटेल जी आप भी थोड़ा माहौल बताइए घोसी का। माहौल वही बगल में जो बताए उन्हीं का रहा है। आप अपना विचार रखिए, वो बच्चे का आपका। मेरा भी वही है ना, नौकरी मस्ट, नौकरी चाहिए। नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं। हमारे तीन बच्चे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं, और नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरे जैसे वो भी खेत में दवा मारेंगे। मैं सिबली नेशनल कॉलेज से PGD नर्सरी एजुकेशन करके, और मैं खेत में दवा मारता हूँ पैंट खुटिया के। सरकार लखनऊ में 250-300 लोगों को लेके दौड़ा किया, सपा में भी गया, मायावती में भी गया, सब में गया, किसी ने सुना नहीं। अब मैं दवा मारता हूँ, मेरे बच्चे भी दवा मारे हैं, अच्छी बात नहीं है। वो 5 किलो राशन से गुजारा नहीं चलने वाला है। किससे गुजारा चलने वाला है? वो मेरे पास खेती है, बाप दादे की जो खेती है उसे मैं कर लूँगा, लेकिन नौकरी होना चाहिए। नौकरी नहीं है तो घर नहीं बनेगा। अब तक बनकरा बुजुर्ग में मेरा घर पड़ता है, गिर गया है, लेकिन न प्रधान कॉलोनी देता है और न सरकार उस पर नज़र डालती है। तो बीजेपी सरकार तो कह रहे हैं घर घर आवास योजना दे रहे हैं। बीजेपी बस बड़े को देती है, बड़ों बड़े लोगों की सरकार है, हम जैसे की सरकार नहीं है। घोसी में क्या चाहते हैं आप? घोसी में यही राजू राय जो आप बोले वो सपा पार्टी जिंदाबाद वही बिल्कुल। और भैया से, भैया क्या नाम होगा? सुधाकर यादव जी। क्या हाल है यादव जी? ठीक है, हाल तो ठीक है। और पार्टी का क्या हाल है? ठीक है। कोई देखिए, जाति से आप किसी पार्टी से आप संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। सरकार कोई भी हो, शिक्षा से किस्सा और रोजगार पर। और लोगों का जैसे आरोप होता है कि यादव जी लोग हैं तो समाजवादी हैं, चूंकि यहाँ ये जहाँ हम खड़े हैं ये पटेल बाहुल कुर्मी का, ये कुर्मी लोगों का गांव है, तो आप यादव इसमें हो सकता है मित्रता है, तो कम से कम आप भी तो माहौल बताएंगे कि यहाँ पटेल बस्ती का माहौल क्या है और कुर्मी समाज का वोट किसको जा रहा है? इस बार इसके पहले जो पटेल जो लोगों का वोट था वो बीजेपी का था, लेकिन इस बार पटेल बिरादरी का 95% सपा को जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? वजह बता ना, शिक्षा चिकित्सा रोजगार, ये सरकार रोजगार के मामले में फेल है, शिक्षा के मामले में फेल है। देख रहे हैं कोई भी वैकेंसी आ रही, पेपर लीक हो जा रहा है, क्योंकि ये सरकार कहती है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है सेंटर पर, लेकिन अभी हाल हो रहा है रोजगार का। बच्चे एमए बीएड कर नौकरी नहीं मिली, टेट सुपर टेट पास करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद पटना में लखनऊ में तैयारी करके, कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो नौकरी कैसे मिलेगी, और जब नौकरी नहीं मिलती कैसे चलेगा परिवार, बताइए। तो इस मामले में उम्र बीत जा रही, इस मामले में सरकार ये फेल है, और ये यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो केवल घोसी में चाहते हैं कि केंद्र में भी बदलाव चाहते हैं? केंद्र के सेंटर में बदलाव होगा तभी ना विकास होगा। अच्छा। घोसी में बदलाव जरूरी है, इसलिए कि कल्पनाथ राय के मरने के बाद यहाँ पर कोई भी सांसद उनके पदचिन्हों पर नहीं चला। इस समय राजू राय में कुछ गुड़ दिखाई दे रहा है कि अगर राजू राय को मौका मिलेगा तो जो कल्पनाथ राय का अधूरा जो कार्य है उसको पूरा करेंगे। आशा भी है घोसी के लोगों से, और ये विश्वास देखिए वो खड़ा उतरेंगे। 2000 जैसे अभी कुछ लोगों का आरोप है कि जैसे कई जगह हमने इंटरव्यू लिया तो कह रहे थे कि ये जो है बाहरी हैं, और 2014 में इलेक्शन लड़े भी थे, चूंकि हार मिली उनको मोदी लहर थी, तो अब ये भी लोग कह रहे हैं कि जो है ये फिर चले जाएंगे बाहर। लेकिन उनका कहना है, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया तो कहा कि 2014 के बाद आज तक मैं यहीं घर बना के हूँ, कहीं गया नहीं, या इस बार भी यहाँ की जनता हमको मान रही है, जिताएगी, चाहे जो भी रिजल्ट आएगा आप फिर अभी भी हम सबके साथ रहेंगे। यानी राजू राय के अगर हमारे संज्ञान में बात है कि वह 2014 के बाद से मोह में उनका शहादत पूरा एक मोहल्ला पड़ता है उसमें घर है, और 14 के बाद से लगातार आना जाना उनका लगाव रहा है क्षेत्र से, और बाकी जो प्रत्याशी चाहे बालकृष्ण चौहान हो, ये कल्पना राज्य के मरने के बाद से वे सांसद हुए, लेकिन कोई कार्य दिखाई नहीं दिया। फिर बहनी की सरकार में भी कोई उनके कोई विभाग मिला था, उसके बाद चंदू राजभर हुए सपा से, फिर क्या दारा चौहान हुए, फिर उसके बाद अतुल का आप लोग देखे हैं 5 साल जिले में बीता है। तो राजीव राय का जो घोसी लोकसभा से जो संबंध है वह 14 से लगातार बना है, और उनमें कुछ शिक्षित भी हैं,
और जो उनका क्षेत्र है वह का नाम है शिक्षण से जुड़ा भी है, खासतौर से राजू राय का जो है लगाव घोषित 14 के बाद लगातार लगा है लोगों में, 14 के हारने के बावजूद भी इस क्षेत्र में और लोगों से मिलते जुलते रहे और लोगों की मदद करते जी 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 मदद। और दूसरी बात की हुआ, जिस पार्टी से उस पार्टी में ऊपर उनका पकड़ भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, तो ये आशा है कि भाई अगर आदमी ऊपर पकड़ है कुछ जीतेगा तो अपनी आवाज जनता की घोषित जो आवाज है वो ऊपर तक उठाएगा, इसलिए लोग राजू राय को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से बात करें, क्या नाम है भैया? सुरेश सिंह पटेल जी। क्या हाल है पटेल जी? सब ठीक है। क्या है मौसम इस समय राजनीति का? राजनीति का मौसम बहुत अच्छा है और इस बार सपा और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो यहाँ से कौन किसको जिता रहे हैं? राजीव राय को। अच्छा, क्या खास बात है राजीव राय में? राजीव राय ठीक है, सबका देख लिया काम, भाजपा के देख लिया 10 साल, सपा इसके पहले सरकार थी राज्य में तो वो 102 नंबर गाड़ी चलाई, एम्बुलेंस चलाई 100 नंबर, तो उसका काम अच्छा दिखा है। अब इसमें कुछ काम अच्छा नहीं दिख रहा है। बीजेपी का काम पसंद है कि नहीं आपको? नहीं पसंद है। बीजेपी का कोई भी काम पसंद आए तो हमको बताइए। कोई काम नहीं पसंद है। यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, जो छुट्टा जानवर से लोग परेशान है, तो अब क्या उसको पसंद करे बीजेपी? क्या पसंद है? बीजेपी कह रहे हैं कि 500 सालों से जो मंदिर जो निर्माणाधीन था अभी नहीं हो पाया था, टेंट में थे, प्रभु श्री रामचंद्र को हमने जो है बड़ा मंदिर बना के उसको महल में रख दिए, उसके नाम पे वोट मांग रही है, तो आपका क्या कहना? आप भी थोड़ा सा अपनी राय दीजिए कि राम के नाम पे अगर जो बीजेपी वोट मांग रही है तो कहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं राम के नाम पर, वो आस्था का विषय है, सब लोगों का आस्था का विषय है, मंदिर में पूजा पाठ करना है, आस्था का है वो चीज़, उसमें हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, उस जो है तो वो सब ठीक है। राशन में भी वोट मांग रही है, राशन फ्री में दे रहे हैं? राशन तो हम लेते नहीं हैं, 10 साल से हम नहीं लेते। त्याग दिए हैं राशन? सब त्याग दिए हैं हमको, जरूरत की सरकार में। हाँ, हम नहीं लेते 10 साल से मैं राशन। क्या वजह है कि नहीं लेते हैं? मेरे पास खुद है। अच्छा। उतना हो जाता उससे ज्यादा है बहुत, तो मैं क्या लूँ, गरीब लोग लें उसको, मैं छोड़ दिया हूँ उसको। ये बहुत बेहतर बात की है कि राशन का मैंने त्याग कर दिया, और जो लोग कहते हैं कि नहीं राशन जो है दे रही है सरकार तो अपंग बना रही है, तो इसने जो है इस इंसान ने जो है राशन लेने से मना कर दिया और राशन त्याग दिए, है ना? जी जी। राशन नहीं लेते? नहीं, 10 साल से नहीं लेते। बिल्कुल। क्या नाम होगा? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह पटेल जी। तो क्या माहौल है घोसी का? बढ़िया है। किसके तरफ झुकाव है, किसका पल्ला भारी है घोसी में? किसी का पल्ला भारी है या ना हो, बस हम लोग को लोकल चुनेंगे अपना। किसको चुन रहे हैं आप? बता तो दिए हैं कि लोकल चुनेंगे, बस इतना जान। बताइए ना किसको चुनेंगे? एक बद्रीनाथ करके युवा है। हाँ। उनको वोट करेंगे। अच्छा, यहीं के हैं? यहीं के। आप लोकल चुन रहे हैं? लोकल चुनेंगे। सरकार कैसी चल रही है? नहीं, अच्छी नहीं चल रही है। अच्छी नहीं चल रही, क्या दिक्कत है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में यही एक है, 5 किलो राशन दे दो और शासन अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, बस यही है। बिल्कुल। और युवा है, बात करेंगे। क्या नाम है भैया? अनमोल सिंह नाम है मेरा जी। अनमोल सिंह, क्या हाल है? बढ़िया। कैसे हैं? बढ़िया है। और सरकार कैसी चल रही है? सरकार सर ये है कि घोसी मतलब हमारा विधानसभा जो है घोसी, इसमें है सर जो सपा है, सपा का पलड़ा भारी है, भारी है यहाँ पे। और सर कहने वाली बात है, बीजेपी भी बुरी नहीं थी वहाँ पे, और बीजेपी इसलिए बुरी हो गई है क्योंकि जो ये वैकेंसियाँ हैं ये बहुत कम निकल रही है बीजेपी में, और इसमें जो सपा में थी बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती थी, तो इसमें बच्चों को रोज़गार भी मिल जाता था। और ये कहने की बात ये है सर, जैसे ये आर्मी वाला था उसमें भी अग्निवीर कर दिया, उसको भी 4 साल में। अब 4 साल में युवा अगर 4 साल कर रहा है आर्मी की भर्ती, उसके बाद युवा क्या करेगा बताइए? उसकी उम्र बीत जाएगी, फिर आके घर पे रहेगा, क्या करेगा आगे? यही है कि सर अग्निवीर मतलब हटा दिया जाए, और ये जो युवाओं का मतलब रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए, और महंगाई भी कम कर दी जाए। पहले गैस सिलेंडर सर 400 में मिलता था सपा के इसमें, अब सर आ गया है उसका गैस सिलेंडर 1100 1200 1200 आ गया है, तब ये महंगाई जा रही है, और इधर से महंगाई इधर से लूट कर उधर दे रहे हैं, सब फ्री में राशन दे रहे हैं सब इसमें। अब 5 किलो राशन में सर बताइए अब महीने भर कैसे चलेगा, और उसमें भी कटौती कर दे रहे हैं सब, 1 किलो का राशन काट दे रहा है। तो ये सब ऐसे है बीजेपी के, ये मतलब गलतियाँ हैं सब ये, और ये सुधार दे तो बीजेपी भी अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी की 10 साल से सरकार थी केंद्र में, तो 10 साल में आपका बीजेपी का कोई भी एक भी काम हमको पसंद आए तो गिना दीजिए। जी जी सर, बीजेपी का मतलब काम यही है कि जो बहन बेटियां मतलब घर से बाहर निकलने में डरती थी वो इसमें कम हो गया है। जैसे ये कहीं भी मतलब झगड़ा विवाद होता था बहुत कम हो गया है इसमें बीजेपी सरकार में, और इसमें सपा में थी थोड़ा ज़्यादा ही थी, मतलब बीजेपी सरकार में बहन बेटियाँ निकलने में डरती थी, और इसमें ज़्यादा ये वो रहती है। सुरक्षित है इस समय? सुरक्षित है इस समय। किसके वजह से?
बीजेपी सरकार की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करेंगे भाई, हैं क्या नाम है भाई? अनिकेत सिंह पटेल सर। पटेल जी, और बताइए सर, ये कहना चाहेंगे जो बगल के मेरे मामा लगते हैं ननिहाल में रहते हैं। ननिहाल में रहते हैं तो जो सेम वही बात बोले कि राशन, तो हम भी हमारे भी घर मामा हमारे इलाहाबाद रहते हैं, मामा मामी हाईकोर्ट में वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे यार राशन लेते हो 5-10 kg कि इमेज खराब वाली बात है, इतना की खेती भाई 10 बीघा खेती है, सब अधिया लोग बोते हैं हमारे यहाँ, हम मऊ रहते हैं, अपना बिजनेस है, तो छोड़ दो उसको। आप भी राशन त्याग दिए? तो सर 10-12-15 साल हो गया हमने भी राशन छोड़ छाड़ दिया। राशन कहाँ गया, कौन खारिद हुआ, कब खराब हुआ, किसने खराब किया, पूछने पता ही करने हमने गया, हाँ छोड़ दिया हमने। हाँ घोसी का क्या मामला? घोसी में आप लोग किसको सांसद? सर कहने का मतलब ये सर कि देखिए, हम पहले भी बोल चुके थे कि हम बहुत बीजेपी के करीबी थे, मगर आप लोगों को हम जब 10 लोगों के बीच में पहुँचे मऊ में, हम जब 10 लोग बीच में रहते हैं, काम कराते हैं, इवेंट काम कराते हैं, जब वहाँ लगा पहुँचने के बाद कि नहीं अब नुकसान हम लोगों का हो रहा है, सिर्फ शोषण हो रहा है, राशन दे के बुलवाया जा रहा है, आदमी उसी पर आश्रित हो गया है, अब अगली बार भर्ती आएगा, अगले साल भर्ती आएगा, अगले साल भर्ती करते करते 10 साल गुजर गया, मगर कुछ बेनिफिट नहीं मिला सर। इसमें सबसे ज़्यादा युवाओं का नुकसान है और किसान का। किसान को क्या चाहिए बताइए? किसान को यही चाहिए कि खाद। बीजेपी तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो किसान की दोगुनी आय कर देंगे, तो आपको क्या लग रहा है किसानी की दोगुनी आय जो है बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर एकदम यहीं पर हमारा यहीं गेहूँ क्रय केंद्र है धान का, हमारे देखिए वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ क्रय केंद्र है, माते 21 रुपया गेहूँ के जी है। एक बताइए, एक फैक्ट्री वाला एक नमक बनाता है, एक नमक बनाता है तो वो अपना मूल्य तय करता है। बिल्कुल बिल्कुल तय करता है ना। बिल्कुल। मगर एक बताइए, किसान अपना गेहूँ पैदा करता है, ये सभी लोग किसानी हैं, मगर ये अपना ले जाते हैं मार्केट में, बोरा रख देते हैं, तीसरा कोई तय करता है भैया 26 रुपया 25 रुपया 20 रुपया 18 रुपया, हम उसके मालिक नहीं, गेहूँ हम ले गए हैं, मालिक हमने तय करता है दूसरा, बताइए। और एक नमक बनाने वाला अपना रेट खुद तय करता है, एक सुई बनाने वाला वो रेट तय करता है कि हम सुई 5 रुपये का 1 देंगे, मगर हम अपना रेट तय नहीं कर पाते, हमको उतना अधिकार ही नहीं मिला, बताइए। ये जो बात कहें, गौर करने वाली बात है कि किसान जो है अपना खून पसीना बहा के और अपना अन्न पैदा करता है, और जब वो मार्केट में लेके जाता है तो हमारे अन्न और हमारे खून पसीना की जो उपज होती है उसकी अगर जो रेट उसका तय करती है तो सरकार करती है, और बैठे जो है मंडी में दलाल करते हैं। लेकिन कंपनी कोई चीज़ बना रही है तो अगर जो 1 रुपये लागत लग रही है तो जाहिर सी बात है 1 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे या 2 रुपये में बेचेगी, लेकिन जितना लागत है कि नहीं, हमें अधिकार तय करने का है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? कोई ऐसी सरकार है जिन्हें अधिकार तय करे किसान तुम अपना गेहूँ जाके खुल्लम 40 बोलो 50 100 बोलो सामने लेने चले आओ, कितना वो आदमी बड़ा हो जाए। अगर किसान गेहूँ और चावल ना दे तो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो बिना गेहूँ चावल का जिंदा रह सकता है? कोई नहीं। ऐसा कौन सा घर है जिसमें बिना गेहूँ चावल का खाना बन सकता है? अब कोई नहीं ऐसा घर है जिसमें बिना गेहूँ चावल का खाना बन सकता है। ऐसा इंसान ही नहीं है कि अनाज के बगैर रह। बड़ा आदमी हो, मुकेश अंबानी तक हो, बिना गेहूँ चावल का उनके घर में खाना नहीं बन सकता, वो किसानी का जाता है। तो सर यही है कि हम लोग अपना रेट तय नहीं कर पाते हैं, और जाता किसान लवारिस की तरह 20 रुपया 21 रुपया बेच के चला आता है, एक बोरा लेके जाता है, थोड़ा सा पैसा पाता है, एक झोला सामान मिलता है, बस खत्म, पैसा खत्म हो गया। तो घोसी में बदलाव आएगा इस बार? घोसी में नहीं, पूरी यूपी में चाहिए सर जी। घोसी से होने से क्या होगा? केंद्र में बदलाव होगा। घोसी से हम जिता के क्या करेंगे बताइए? घोसी जिताकर हम क्या करेंगे बताइए आप? पूरे यूपी में हमको चाहिए कि सरकार अलग हो, चेंज हो बिल्कुल। घोसी को जिताने से हमारे कुछ नहीं होगा। और रही बीजेपी की बात, तो इसमें एक आध दो योजनाएं हमको अच्छी लगी, थोड़ी कानून व्यवस्था अच्छी लगी है, क्योंकि हम डेली 12 से 3 के बीच हम डेली मऊ से घर आते हैं, पूरा सुरक्षित आते हैं, हंसते आते हैं, 3 लोग गाड़ी पे बैठ के आते हैं, पुलिस रोकती अपने बताते सर ऐसी बात है, पुलिस का तेरी मजबूरी है, जाओ बेटा, हर चौराहे तिराहे पे हमको पुलिस मिलती है, 10 रुपया 20 रुपया जेब में हम लेके आते हैं 6 साल से, और ऐसा कभी हम रास्ते में नहीं हुआ कि तुम कहाँ जा रहे हो, पैसा छीनौती कुछ बात नहीं हुई, बस इसमें कहेंगे और कोई कानून व्यवस्था के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। और जो योजना है एम्बुलेंस हुई 100 नंबर, ये अखिलेश जी की देन है, माने अखिलेश जी की देन है, हाँ उनकी देन है। तो किसको किसको सांसद चुन रहे हैं? बिल्कुल राजू राय। राजीव राय सर, ये बस कहते हैं हम बीजेपी के फैन थे, मामा हमारे लगते हैं हमारे गाँव में, बहुत करीबी हैं इनसे, हमेशा हम बस करते थे, हम लड़ते आपस मजाक करते हैं, ये कहते हैं वो करते हैं, मगर हम वही है कि अब चुनना अलग है, कुछ अलग मूड चेंज हो गया। बिल्कुल मूड सर चेंज, बीजेपी के फैन थे मगर मूड चेंज, किसान है तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल राजू राय से बहुत, हम 3-4 बार साइड से सर हमारे साइड में मुलाकात हुई, बहुत संबंध हो गया है, नंबर उनके करीबी संबंध का बाद विचार कभी कल हो जाती है। कल परसों हमारे बगीचे में आने वाले भी हैं राजू राय, हमारे बगीचे में कल परसों आने वाले हैं, जो भी संख्या में आए आने वाले हैं, बोले आएंगे 10-50 को इकट्ठा करिए, बिल्कुल एक तरफ उनका एक तरफा वोट है। बिल्कुल मतलब पटेल समाज का एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल 90% माने चलिए, 80-90 मान के चलिए सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार बार बार राशन पर ध्यान ले जाती है, हम लोग दुर्भाग्य है कि हम कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर 5 किलो राशन का इसके पर राशन नहीं मिलता था, सार्वजनिक वितरण पाले के तहत राशन मिलता, लेकिन उन्हीं को राशन मिलता था जो उसके पात्र थे। आज इस समय 80 करोड़ लोगों को राशन देकर ये सरकार विश्व गुरु बनाने जा रही है, फिर कैसे बन सकते हैं विश्व गुरु बताइए 5 करोड़ राशन पर? हमको राशन नहीं चाहिए, अगर आपको फ्री देना है तो आप किसानों का जो लागत
जो हैमूला है उसको आप जैसे डीएपी हुई, पानी हुआ, डीजल हुआ, आप कम कर दीजिए, कम कर दे। खुदे हिंदुस्तान के किसान उतने मजबूत हैं कि वह पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन आप महंगाई कम करिए। और हाँ, सरकार की कुछ कमी अच्छाइयाँ हैं उसको भाई अस्वीकार नहीं कर सकते, इसे रोड के मामले में उसका सिर हम सीधे गडकरी जी को देते हैं। इस सरकार में रोड का काम अच्छा हुआ है, कानून प्रशासन भी थोड़ा अच्छा हुआ है, तो हम ठीक है। अब दो चीज़ों के लिए हम सरकार नहीं चुने हैं ना, हमें तो तमाम समस्याएँ हैं, उसको आप दुरुस्त करिए, महंगाई पर लगाम लगाइए, रोजगारी खत्म करिए, करप्शन खत्म करिए, ये तमाम समस्याएँ हैं, इसलिए इसको खत्म करने के लिए इस बार बदलाव जरूरी है। इस बार बदलाव केंद्र में होगा। हम बिल्कुल बदलाव होगा। दो लोग और हैं, बात करेंगे इनसे हम आज। ये चाचा किसान हैं आप ना? आ जाइए, किसान हैं, खेती होती करते हैं? खेती करते हैं। तो बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं या आपका डीजल कितना महंगा हुआ है? बहुत महंगा हो गया है। खेती किसानी करने में क्या दिक्कत होती है? हमको पूरा खेती से ही करना है, हम खेती से खेती नहीं कर पाएंगे महंगाई की वजह से। जी इतना महंगा सब कुछ हो गया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलेगी इस बार? इस बार सरकार हमेशा बदलना ही बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, हाँ जी। और घोसी से किसको सांसद चुन रहे हैं? राजू राय को। है? राजू राय को जी, सपा से हैं। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। और इधर हम बात करेंगे। अरे इंडिया जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी भाई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बीच में कोई रुकने वाला नहीं है। अब की बार इंडिया सरकार, केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी इस बार। सभी लोग हम लोग इंडिया के सरकार बनाएंगे। आप इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन इस तरह यहाँ के इंटरव्यू को भी आप याद करिएगा। सभी लोग हर कास्ट के, यादव, पटेल, चमार, हर कास्ट के लोग आते, वही मस्ती, वही मजा क्या मिलेगा? एक ही थाली में हम लोग खाते हैं, हंसी मजाक, हम लोग जातिवाद वाले हैं ही नहीं। एक ही थाली में खाते, एक थाली में बनाते, हंसी मजाक मस्ती होता है। मामा जी हमारे नहीं बताए, हमने बहुत मतलब इनसे बहुत सीख मिलती है हमको, हमेशा डांटना बोला बड़े हैं, डांटने का फर्ज है, मगर बहुत सीख मिलती है। एक साथ खाते पीते हैं, मगर अब लगता है जरूरी है परिवर्तन, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं हर जगह। साला एक चाय वाला को भी टैक्स देना पड़ रहा है, बताइए, दूर 5 रुपये का चाय बेच रहा है, उसमें 2 रुपया 1 रुपया टैक्स दे रहा है बेचारा, कर भी उसकी लागत बची, बताइए आप। ये गलत है, कुछ करना है, अलग करना है। और माननीय अखिलेश जी से ही निवेदन है कि बात वहाँ तक पहुँचे, कि वो कुछ अलग करें, वो लगे कि लो युवा तैयार है, हमारे किसान तैयार है, उनको ये संदेश वहाँ तक जाए। ये उनसे विनम्र निवेदन कि ये संदेश उनके तक जाए कि हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं, सभी पटेल उनके साथ हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। निवेदन है कि जो आप यहाँ इंटरव्यू लिए हैं उसमें जो त्रुटियाँ उसको बाहर करके अधिक से अधिक चीज उसमें आप लाइक करें। बिल्कुल, हाँ जनता, हाँ हाँ नहीं सरकार तो नहीं, हाँ आपको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ जनता से चाहते हैं, बस बदलाव चाहते हैं तो जनता से कहिए। बिल्कुल। और अगर जो सरकार से कुछ मांग रहे हैं तो फिर एनडीए सरकार, इंडिया की सरकार जो बनेगी तो अब देखना है कि इंडिया की बनती है कि एनडीए की बनती है। लेकिन आप इंडिया की बनेगी, इंडिया की बनेगी, हम देखने की बात नहीं है। नेताओं से मांग करिए कि क्या चाहते हैं। मांग करेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, हमको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हम बिल्कुल चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेता जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से हम यही गुहार करेंगे कि आपकी सरकार जब इंडिया गठबंधन की बन रही है तो आप अपने लोगों को याद करें, अपने लोगों को आगे बढ़ावें, जात धर्म से हट करके विकास की नीति को आप कायम करें। मीडिया भी निष्पक्ष होनी चाहिए, मीडिया निष्पक्ष, हाँ बिल्कुल। आप उम्मीद है कि अखिलेश की सरकार आएगी तो मीडिया निष्पक्ष होगी? कि हम तो यही चाहेंगे कि आप निष्पक्ष हो, आप किसी के नहीं हो, आप सबके हैं, आप जो सही चीज हो उसको चयनित करें, गलत को निकाल दीजिए। इसीलिए मैं गांव में आया हूं और गांव में गोदी मीडिया नहीं आती है। हमेशा जो है हम लोग जैसे जो है पत्रकार गांव के हैं, सोशल मीडिया जो है वो गांव तक आती है, गोदी मीडिया नहीं आती है। तो हम आप लोगों के समस्या के लिए ही आते हैं और आपकी जो समस्या थी मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचा रहा हूं और इन लोगों के माध्यम से जो देख रहा है वो भी इन लोगों की मांगे क्या थी और कहना क्या था उस पर आप ध्यान दीजिए। और जो है 2024 में इन लोगों को कहना है कि इस बार बदलाव होगा, तो बदलाव होगा तो क्यों होगा? आप जो है सारे लोगों का जो वक्तव्य था आप लोगों ने सुना और आपकी क्या राय है घोसी के बारे में और इस देश के बारे में, किसकी सरकार बन रही है, घोसी में किसको सांसद चुन रहे हैं और देश में किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं आप लोग, आप अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप राजू राय जिंदाबाद, राजू राय जिंदाबाद, जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राजू राय जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, त्रिपाल यादव जिंदाबाद।